देखिए, जन समस्या अपार है, वाकई में, क्योंकि जो जिनाइन समस्या है उसका निदान होना चाहिए और इसीलिए पार्टी ने तय किया है और समझे कि भाई सांसद जन सुनवाई का कार्यक्रम यहाँ हो ताकि उचित जो समस्या है जनता की, जो वो बेचारे चक्कर काटते हैं उनका काम नहीं हो, तो यहीं अधिकारी वगैरह है सारे सब, तो हम उसको देख कर जो समस्या का निवारण हो सकता है उसका निवारण करें। इसके लिए आज से यहाँ सांसद जन सुविधा केंद्र के अंदर यहाँ जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा है। हर सोमवार को यहाँ 10:30 से 1:30 बजे तक जन सुनवाई करेंगे। उसके अलावा हर महीने में एक दफा जहाँ हमारा संगठन हमारी जनप्रतिनिधित्व करेंगे हर विधानसभा में कि कहाँ जन सुनवाई करनी है, ताकि वहाँ की जनता, वहाँ की कोई समस्या है उनको अजमेर तक नहीं आना पड़े या दूर नहीं आना पड़े। हर महीने एक हम रखने वाले हैं। ऐसे करके आज कई समस्याएं आई है, वास्तव में कई जो समस्याएं हैं तो राज्य सरकार की तरफ से जैसे ट्रांसफर का मामला है, एक जो NMI उसके एक 30 साल की बच्ची है जो अपाहिज है बिल्कुल, टट्टी पेशाब भी वो खुद करवाती है, ऐसी हालात है, ऐसी स्थिति में उसका ट्रांसफर जिले से बाहर कर दिया गया। तो हालांकि क्योंकि यह राज्य सरकार कांग्रेस की है, तो मेरा ये मानना है कि मानवता के नाते ऐसा ट्रांसफर सोच विचार के करना चाहिए और ऐसी तकलीफें ऐसे कई हो रही है जो वास्तव में राजनीति द्वेषता बस ऐसे ट्रांसफर की आई है। और भी है कुछ मूलभूत समस्या है, जिनाइन है वास्तव में, वो काफ़ी टाइम से अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं, वो आई है, संबंधित अधिकारी को हम लिख के जिलाधीश महोदय को और बाकी को हम दे रहे हैं ताकि उनकी समस्या का निदान हो। हम चाह रहे हैं जो भी यह जन समस्या आई है वो समस्या को हम जो भेजेंगे अधिकारी उनसे वापिस उनका प्रत्युत्तर हम लेंगे, ताकि हर सोमवार को उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि वास्तव में वो निदान भाग दिया करनी बात तो क्या कारण है, अगर हो गया तो बढ़िया, उस हिसाब से हम जन सुनवाई का एक कार्यक्रम करा। मुझे खुशी है कि आज पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी हमारे क्षेत्र अध्यक्ष, हमारी जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी और सारे सब यहाँ आज पधारे। हम चाह रहे हैं कि आम जनता की, मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस तर्ज पर ही ये देश आगे बढ़ सकता है, एक खुशहाल राष्ट्र बन सकता है और समृद्ध राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि आम जन की समस्या का निदान होना बहुत जरूरी है। बाकी हाँ नहीं, कुछ ऐसे मुद्दे भी आए वैसे सड़कों का, जैसे प्रधानमंत्री योजना के तहत सड़कें हैं वो उसका काम नहीं हो पा रहा है, गौरव पथ हैं उसके फंड होने के बावजूद भी वो काम नहीं हो पा रहे हैं, ये समस्याएं क्या इंगित कर रही है? देखिए, मुझे परसों मुझे राजगढ़ जाने का मौका मिला और मैंने मेरी आंखों से देखा, जब पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी के समय में हर पंचायत हेडक्वार्टर पे गौरव पथ बना था, 7 लाख रुपए अभी दिए, मैं भी 2013 से 2018 में किसान से विधायक था और मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं बची है। मैं तो कह रहा हूँ पूरे राजस्थान में हर ग्राम पंचायत में गौरव पथ बना, पर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजगढ़ में 60 लाख रुपए की गौरव पथ सेंक्शन होगी, चालू होगी और उसको फिर बंद करके उस पैसे को वापिस राज्य सरकार ने मंगवा दिया। तो हम इसके लिए हम देख रहे हैं, संज्ञान ले रहे और राज्य सरकार को चिट्ठी लिखेंगे कि ऐसा आप जो कर रहे हो जनता के साथ सड़क पे, तो चाहे कोई चाहे BJP का हो चाहे कांग्रेस हो, आम जनता चलती है उसमें, इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा है प्रधानमंत्री सड़क योजना, हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को भी हमने ये निवेदन किया था और हमने प्रधानमंत्री जी को ये कहा था कि भाई प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, वाकई में जहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना के आधार पर सड़क बननी चाहिए वहाँ उचित बननी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पैसा केंद्र से आता है पर दुर्भाग्य से ये जो क्योंकि संघीय ढांचा है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो उसको जो उचित जगह पर प्रधानमंत्री सड़क योजना बननी चाहिए उनको बनाने चाहिए। कहीं कहीं शिकायत आ रही है वही जहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़क वहाँ बननी चाहिए, वो पात्रता भी रखते हैं वहाँ नहीं बन रही है, तो हम
स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, मंत्री जी से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, नहीं तो फिर हम केंद्र में बात करेंगे।